Hi everybody, वेलकम टू साइंस अंडर 24/7 सेवन माई सेल्फ विद कॉ य फिजिक्स एजुकेटर सो हैर आई कम विद वन मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप सबको बहुत टेंशन हो रही थी कि मैम हम अगर ह्यूमैनिटी स्ट्रीम से हैं हम कॉमर्स स्ट्रीम से हैं हम साइंस स्ट्रीम से हैं हमको बी करना है मैम हमको बी कॉम करना है मैम हमको बी एनर्स करना है डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स में तो मैम कितना कट ऑफ रिक्वायर्ड हो सकता है इस बार कितना कट ऑफ जा सकता है देखो बेटा अब जो कट ऑफ रहती है वो कभी भी एन के द्वारा रिलीज नहीं की जाती है हर एक यूनिवर्सिटी की जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था आई मेड अ वीडियो यस्टरडे फॉर ऑल ऑफ यू दिल्ली यूनिवर्सिटी के रिगार्डिंग मैंने एक वीडियो बनाया था कल आपके लिए तो यहाँ पर भी इस वीडियो में मैं डेली यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक ही बात करने वाली हूँ बट बाकी ओवरऑल अगर हम मान के चले तो बी में या कोई भी और यूनिवर्सिटी की बात करोगे आप तो उसका जो कट ऑफ रहता है वो ऑलमोस्ट नियर अबाउट टू एट या फिर कम ही रहता है ठीक है सो आपको एक रफ आइडिया मिल जाएगा कि अगर आप एक

कट ऑफ रिलीज नहीं करता है सो प्लीज मेक श्योर दैट कि आप लाइक like कर रहे हैं और शेयर कर रहे हैं और इस चैनल को बेटा सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए इफ नॉट डन येट तो चलिए लेट्स अस बिगेन विद नो मोर डिलेज बेटा इस बार अगर हम बात करें दो लाख प्लस सीट है एक लाख प्लस टॉप सीट है और जिसमें से अगर हम एप्लीकेंट्स बात करें तो बीस लाख प्लस एस्पिरेंट्स है ना इस बार जो है वो आने वाले हैं Uh, आपके सी यू टी ट्वेंटी ट्वेंटी फोर के एग्जामिनेशन की बात करें तो इतने फॉर्म्स एक्सपेक्टेड हैं बेटा कि फिल किए जा सकते हैं और ये नंबर जो है ये वेरिएबल भी हो सकता है मतलब कुल मिलाकर चलो तो सत्रह से अठारह लाख प्लस बच्चे तो होने ही वाले हैं जो इस बार अपना फॉर्म फिल कर रहे हैं बट मैं आपको हमेशा एक चीज बोलती हूँ कि तुम्हारी लड़ाई सिर्फ एक सीट के लिए है तुमको बीस लाख सीट के पीछे बीस लाख एस्पिरेंट से नहीं लड़ना है तुमको सिर्फ एक uh, है ना अपनी सीट के पीछे लड़ना है तो तुमको इस दो लाख सीट्स में से एक एक सीट के पीछे अपनी जी जान लगा देना है बेटा सो so, ये लड़ाई में बहुत ज़्यादा दम लगने वाला है बहुत ज़्यादा मोटिवेशन चाहिए होगी सो प्लीज़ मेक श्योर दैट कि आप डेली uh, सुबह उठकर एक चीज़ जरूर से बोलें कि मैं सफ़र में हूँ मैं आज सफ़र कर रहा हूँ इस सफ़र में बट मैं जहाँ पहुँचने वाला हूं मेरी जो डेस्टिनेशन रहने वाली है वो बहुत ही बहुत ही ब्यूटिफुल रहने वाली है जो भी मेरा ड्रीम कॉलेज है आपका ड्रीम कॉलेज है आप डी के कि किसी कॉलेज में जाना चाहते है। हैं आप सेंट स्टीफन कॉलेज में जाना चाहते हैं आप मिरांडा हाउस में जाना चाहते हैं ना आप हंसराज कॉलेज में जाना चाहते हैं जो भी आपका ड्रीम कॉलेज है जो भी आपका ड्रीम कोर्स है आप डेली सुबह उठ कर बोलेंगे कि मैं इसमें सीट पाना चाहता हूँ देखिएगा एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ जब आप सुबह उठकर प्रेपरेशन स्टार्ट करेंगे ना बेटा तो एक अलग ही वाइब होगा आपके अराउंड सारा दिन आपके अराउंड वो पॉजिटिव वाइब रहेगा और आपको भी कॉन्फिडेंस देकर जाएगा तो चलिए फिर अगर हम सबसे पहले साइंस स्ट्रीम को टारगेट करते हैं बहुत सारे बच्चों ने मेरे से पूछा कि मैम आपने पिछली वीडियो में आ, बी आ, के रिलेटेड है ना बात करी या डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज के रिलेटेड बात करी बट साइंस स्ट्रीम की बात नहीं करी तो बींग अ साइंस स्टूडेंट मैम आप हमें साइंस स्ट्रीम के बारे में बताइए तो इसमें बेटा सबसे पहले मैं बात करना चाहती हूँ बी ऑनर्स की तो बीएससी ऑनर्स की बहुत हाई डिमांड रहती है अब ये बीएससी ऑनर्स स्पेसिफिकली आप फिजिक्स में भी कर सकते हो आप केमिस्ट्री में भी कर सकते हो है ना आप जियोलॉजी में भी कर सकते हो आप बॉटनी में भी कर सकते हो बीएससी ऑनर्स वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं हो, उनका एक एज एक्स्ट्रा मिलता ही है उनका अगर मैं पैकेज की बात करूं ओवरऑल बेटा नॉर्मल बीएससी से बीएससी ऑनर्स वालों को ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलती है अब यहाँ पे अगर हम बात करें ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री की परसेंटाइल्स की तो हंड्रेड परसेंटाइल सेवेंटी एट परसेंटाइल तक देखने को मिला था अगर मैं डी की बात करी जनरल कैटेगरी की अगर आप किसी स्पेसिफिक कैटेगरी से बिलोंग करते हैं लेट सपोज आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं एस कैटेगरी एस कैटेगरी तो उस केस में आपके पास यहाँ पर जो परसेंटाइल है वो थोड़ा सा आप कम कर सकते हैं ठीक है ये जनरल कैटेगरी के लिए एस्टिमेशन है फॉर द डी अगर अपन बात करें मार्क्स के टर्म्स में तो बेटा साइंस वाले बच्चों के लिए जो टोटल पेपर होता है वो 600 नंबर का होता है ठीक है 600 नंबर का होता है जिसमें आपके तीन डोमेन के सब्जेक्ट आ जाते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री एज वेल एज जो भी आपके पास मैथ्स था या बायोलॉजी था अगर आप डी यू में एडमिशन लेना चाहते हैं बेटा यहाँ पर कुल मिलाकर 200 प्लस 200 प्लस 200 यानी कि 600 नंबर का पेपर बनता है बट आपको इंग्लिश देना जरूरी है अगर आप बीयू में जाना चाहते हैं वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर आता है कि आपको इंग्लिश वहां पे लैंग्वेज दिया होना चाहिए जो भी आपने क्लास ट्वेल्थ में पढ़ रखा है नेक्स्ट अगर मैं बात करूं 550 प्लस मार्क्स से लेकर 380 प्लस मार्क्स तक पिछली बार जो कट ऑफ गया था वो इस रेंज में गया था इस साल अगर मैं बात करूं 2024 तो बेटा uh, 550 प्लस से लेकर 400 प्लस तक आप मान के चलें कि आपका जो कट ऑफ है वो जा सकता है अब मैं यहां पर बोलूंगी कि प्लस माइनस 10 का वेरिएशन रह सकता है प्लस माइनस 10 का वेरिएशन ऑन द लोअर पोर्शन साइड है ना हायर पोर्शन की साइड में बात करें तो हो सकता है प्लस माइनस फाइव का लोअर पोर्शन की साइड में बात करें तो प्लस माइनस टेन का वेरिएशन रह सकता है बट आप कभी भी छोटा टारगेट करके नहीं चलेंगे अगर मैं बोल रही हूँ चार सौ प्लस तो तुम बोलो कि मैम हम ना प्लस का टारगेट लेकर चलेंगे बेटा तब आपके जाके कहीं यहाँ तक नंबर आएंगे क्योंकि जब आप टारगेट हाई लेकर चलते हो ना बेटा तब कहीं आप नीचे सेटल होते हो बट अगर आप पहले नीचे सेटल हो गए तो फिर यार ऊपर वाली चीज पे तो आप जा ही नहीं पाओगे कभी सो प्लीज मेक श्योर दैट की ये जो जर्नी है बेटा सिमिलरली आज अगर आपके हजार क्वेश्चन मैं बोलती हूँ आपने लगातार प्रैक्टिस करते करते हजार क्वेश्चन पूरे कर लिए प्रैक्टिस करते करते अब आप हजार क्वेश्चन पे सेटल नहीं हो जाएंगे आप अगले दिन फिर से चलेंगे और आप बोलेंगे कि आज मैं फिर से बीस क्वेश्चन और लगाऊंगा या लगाऊंगी तो वो एक सेटलमेंट जब आपके पास लाइफ में आ जाती है ना बेटा तो आप स्टॉप हो जाते हैं वो सिचुएशन नहीं आनी चाहिए कीप ऑन प्रैक्टिसिंग कीप ऑन वर्किंग हार्ड जो होगा देखा जाएगा बस आपको चलते रहना है रुकना नहीं है ठीक है नेक्स्ट अगर हम सिंपल बात करें बीएससी प्रोग्राम की सिंपल बीएससी प्रोग्राम की अगर आप बात करें बी एस सी नॉन की बात कर लीजिए जिसमें आपके पास तीनों आ जाते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स आ जाता है ना नॉर्मल बी जो होती है उसमें अगर मैं कट ऑफ देखू तो हंड्रेड आपके पास मिरांडा हाउस uh, से लेकर सेवेंटी है देश बंधु कॉलेज uh, में आपके ठीक है तो यहां पर अगर मार्क्स देखें तो फाइव फिफ्टी प्लस से लेकर थ्री ट्वेंटी प्लस मार्क्स तक का ये आपको बार देखने को मिला था अब अगर ट्वेंटी ट्वेंटी फोर का एक्सपेक्टेड बताएं तो फाइव फिफ्टी प्लस से लेकर साढ़े तीन सौ प्लस मार्क्स तक आपके होने चाहिए इस बार कट ऑफ ज्यादा जा सकती है क्योंकि इस बार बच्चे भी ज्यादा भरने वाले हैं अवेयरनेस ज्यादा

तो विदाउट एनी डिले अगर अभी तक आपने हमारे साइंस के महापैक में इनरोल नहीं किया है सो गो फॉर इट इट एंड एनरोल इन महापैक में यू विल बी गेटिंग ऑल ऑल द द लाइव लेक्चर्स ऑफ चाहे आपके पास जुनून बैच हो चाहे कोई फ्यूचर में हम प्रैक्टिस बैच लेकर आए माइंड मैप लेकर आए वो सब बैचेस की लाइव क्लासेस तो मिलेंगी मिलेंगी नोट्स मिलेंगे देन आपको पी वाई पीस मिलेंगे प्रीवियस ईयर पेपर बेस्ड बुक्स मिलेंगी आपके घर पर डिलीवर करवाई जाएंगी बेटा वो बुक्स और साथ ही साथ आपको और एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्रैक्टिस की भी बुक्स मिलेंगी मॉक टेस्ट मिलेंगे यू यू विल बी गेटिंग गेटिंग ई बुक्स बुक्स एवरीथिंग आर इन बट विद वाला बाय कीजिएगा अदरवाइज कोई फायदा नहीं है बेटा आप नहीं तो नॉर्मल कोर्स जुनून प्लस बाय कर लीजिएगा अगर आपने विद बुक्स वाला महापैक बाय किया तभी आपको बेनिफिशियल साबित होगा कैसे इनरोल करना है मैं फटाफट -फड़ से एक बार बता देती हूँ फिर मैं आपको ह्यूमैनिटीज और कॉमर्स स्ट्रीम का भी बेटा जो है कट ऑफ एक्सपेक्टेड वो बताकर जाऊंगी ठीक है आपको सिंपली गूगल पर जाकर टाइप करना है आपको ऑल कोर्सेज में जाना है बेटा आपको स्कूल के ट्वेल्थ कैटेगरी में जाना है सीबीएसई बोर्ड क्लास ट्वेल्थ पे क्लिक करना है इसको स्क्रॉल कीजिए यहाँ पे क्लिक कीजिएगा व्यू ऑल व्यू ऑल पे जैसे ही जाएंगे दीज आर द महापैक्स एम टॉकिंग अबाउट अगर आप पीसीएम के स्टूडेंट हैं ये देखिए विद बुक्स वाला महापैक आई एम विद बुक्स वाला महापैक ही बाय कीजिएगा अदरवाइज बेनिफिशियल नहीं है बेटा आप नॉर्मल कोर्स बाय कर सकते हैं ठीक है थीके? अगर आप पीसीएम के स्टूडेंट हैं बेटा तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो यू कैन सी यू आर गेटिंग 1065 टेस्ट सीरीज। इतनी टेस्ट सीरीज सीरीज इतनी बेटा खत्म नहीं होगी आपका पेपर आ जाएगा ऐसा सोच के चलो मतलब इसमें सब कुछ मिलने वाला है आपको यू आर गेटिंग एवरीथिंग 203 ई बुक्स मिलने वाली साथ ही साथ आपको एट बुक्स मिलने वाली है जो आपके घर पर डिलीवर होंगी और साथ ही साथ बेटा आपको थाउजेंड आवर्स ऑफ ऑनलाइन लाइव क्लासेस मिलने वाले हैं यानी कि आपके लिए यहाँ पर सारे के सारे जो बैचेस हैं उनका एक्सेस आपको मिल जाएगा ठीक है जो अभी से स्टार्ट हुए हैं या फिर जो आगे आने वाले हैं इन सिक्स मंथ्स के पीरियड में तो बेटा यहाँ पे आपको अगर डिस्काउंट चाहिए तो आप अगर कोड यूज करेंगे वाई फाई फोर नाइन और इसको कर देंगे अप्लाई तो आपको नौ सौ साठ रुपीज का ऑफ मिलेगा अब ये वाला जो प्राइस है वो कल तक ऑलमोस्ट फोर्टी फोर हंड्रेड के अबाउट था आज थोड़ा सा इंक्रीज किया गया है रीजन बीइंग इस वाले महापैक में यू आर नॉट गेटिंग दैट हाइब्रिड टेस्ट सीरीज वाला पीवाई पी है ना महापैक में आपको पी वाई पीज की बुक्स नहीं मिल रही थी बट अब आप, आपको पी वाई पी की बुक्स भी इसी में इंक्लूडेड मिल रही हैं तो आपको और कुछ लेने की जरूरत नहीं है जस्ट गो फॉर दिस वन ठीक है बस एक बार आपको इतना ही पैसा देना है एंड यू विल बी गेटिंग एवरी अगर आप जुनून बैच के स्टूडेंट हैं या किसी भी बैच के स्टूडेंट है आपको ये सब फीचर्स एक्स्ट्रा चाहिए तो आप वहां पे अपग्रेड कर सकते हैं एंड अपग्रेड के टाइम आप कोड यूज करेंगे वाई फाई ताकि आपको मैक्सिमम मैक्सिमम से मैक्सिम्म मिल सके अब चल रही है बेटा आगे बढ़ते हैं ह्यूमैनिटी स्ट्रीम की बात करते हैं सी यू टी ट्वेंटी ट्वेंटी फोर का अगर मैं बात करूँ बी ऑनर्स अब बी ए ऑनर्स भी आप किसी भी सब्जेक्ट में कर सकते हैं बेटा पॉलिटिकल साइंस हिस्ट्री ज्योग्राफी कोई भी है ना तो यहाँ पर एक चीज दिमाग में फिट करके रखिए साइंस स्ट्रीम में कट ऑफ जितना जाता है उससे हाई जाता है बेटा ह्यूमैनिटीज या फिर हम बात करें आर्ट्स का कट ऑफ बिकॉज यहाँ पर कंपटीशन बहुत है काफी सारे बच्चे जो यूपीएससी में जाना चाहते हैं आगे है ना दे ऑप्ट फॉर दिस ना, सो यहाँ पे कंपटीशन ज्यादा हाई रहता है कट ऑफ ज्यादा हाई जाती है अगर मैं बात करूँ ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री की तो हंड्रेड परसेंट टाइल से लेकर एट्टी परसेंट टाइल तक कट ऑफ गई थी कुल मिलाकर सात सौ सत्तर प्लस से आ, 520 सौ बीस प्लस मार्क्स तक रहा था तो यहाँ पर जो पेपर होता है ना ह्यूमैनिटीज़ वालों के लिए वो आठ सौ नंबर का होता है यहाँ पर आपके पास 200 प्लस 200 प्लस 200 तीन आपके पास जो मेजर डोमेन सब्जेक्ट्स जो आपने सौ तीन में लिए होते हैं वो वेल इंक्लूड होते हैं और साथ ही साथ यहाँ पर एक लैंग्वेज इंक्लूड हो जाता है यानी कि 200 सौ नंबर का वो एड हो जाता है एक्सपेक्टेड कट ऑफ बेटा जो आपकी ट्वेंटी में आ सकती है दैट इज सेवन प्लस टू फाइव प्लस आपको इतने मार्क्स लेकर चलने हैं मैं लास्ट में आपको एक सेफ स्कोर uh, भी बता के जाऊंगी आपका स्ट्रीम वाइज बट ये मान के चलो बेटा कि अगर आप ह्यूमैनिटी या आर्ट स्ट्रीम से हो सो so आपकी जो लड़ाई है वो ज्यादा है ना होने वाली है एज कम्पेयरट टू द साइंस स्टूडेंट्स और अगर आप नॉर्मल भी प्रोग्राम में जाना चाहते हो तो वहां पर कट ऑफ थोड़ी कम हो जाएगी बट इतना ज्यादा ड्रास्टिक फर्क नहीं पड़ता है बेटा वहां पर भी अगर मैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ तुमसे बोलूँ तो इस साल तुमको एटलीस्ट सेवन सिक्सटी प्लस से लेकर फाइव सिक्सटी प्लस मार्क्स तक है ना एम करके चलना है सो so, इसके लिए भी मैं ये बोलूंगी जो बच्चे आ, अभी तक हमारे ह्यूमैनिटी uh, वाली टीम के साथ नहीं जुड़े हैं यू नो इन दैट ह्यूमैनिटीज टीम हिस्ट्री इज टॉट बाय मैम एंड शी इज जस्ट फैब्यूलस यार है ना मतलब वो जिस तरीके से पढ़ाती हैं हिस्ट्री तुम्हारे खून में बसा देंगी यार सिमिलरली अगर बाकी सारी टीम की बात करूँ चाहे पोलिटिकल साइंस हो चाहे जोग्राफी हो एवरी वन ईच एंड एवरी टीचर ऑफ अड्डा ट्वेंटी फोर सेवन इन सी टी कैटेगरी इज जस्ट वाओ है ना तो आप अपनी इस लड़ाई में बेटा पीछे मत रहिए क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी उनके साथ पढ़ने के लिए ऑलरेडी इनरोल्ड हो चुके हैं अगर अभी भी आप डिले कर रहे हैं जस्ट गो फॉर द अगेन आई विल से यू शुड गो फॉर द ह्यूमैनिटीज महापैक आपको क्या करना है आर्ट्स का महापैक लेना है सीबीएसई क्लास ट्वेल्थ कैटेगरी में ही जाके आप बेटा जब व्यू ऑल पे क्लिक करेंगे सो सेम यहाँ पे आपको चले जाना है ह्यूमैनिटीज एंड आर्ट्स विद बुक्स वाले महापैक के ऊपर सेम प्रोसीजर रहेगा अब बेटा जब इसमें बुक्स की बात करें तो इसमें सोलह बुक्स मिल रही हैं आपको ठीक है यू आर गेटिंग बुक्स बुक्स यू यू आर आर गेटिंग गेटिंग ई टेस्ट सीरीज एंड ऑनलाइन क्लासेस तो आपको मिल ही रही हैं उसमें आपके जितने भी बैचेस चलेंगे चाहे वो जुनून हो चाहे वो कोई भी और बैच हो वो उसका एक्सेस आपको मिलेगा ही मिलेगा नेक्स्ट अगर अपन चले कॉमर्स स्ट्रीम की बात करते हैं तो कॉमर्स स्ट्रीम में सबसे ऊपर बात आती है बेटा आपके पास बी कॉम की है ना बी कॉम इज थिंग की यार एक बार किसी ने बी कॉम कर ली मेरी खुद की रियल सिस्टर ने शी हैज डन

एंड अगर हम बात करें कॉमर्स के लिए 750 प्लस का टारगेट लेकर चलिए ये नंबर्स अचीव करने इतने इजी नहीं होंगे बहुत बार शायद ऐसा हो सकता है कि डीमोटिवेशन फील हो ऐसा लगे कि यार नहीं चीजें अपने हाथ में नहीं है बट स्टिल बेटा इफ यू आर विद अ गुड विद्ड इफ यू है महापैक्स ऑफ द रिस्पेक्टिव कोर्सेज यानी कि आप साइंस कॉमर्स या आर्ट्स जिस भी स्ट्रीम से हैं उनके रिस्पेक्टिव महापैक्स में अगर आप इनरोल हो जाते हैं So, उसके बाद आपकी सारी प्रॉब्लम खत्म है आप अगर यहां पर यह दिया हुआ कोड यूज करेंगे आपको मैक्सिमम ऑफ तो मिलेगा ही मिलेगा साथ ही साथ बेटा आप मुझे मेल जरूर से ड्रॉप करें ऑन दिस ई मेल आपके जितने भी क्वेरीज रहेंगी रिगार्डिंग टू द बैच रिगार्डिंग टू एनीथिंग आई विल बी एंटरटेनिंग देम आई विल बी टेक्सटिंग बैक टू यू एंड आई विल भी मेकिंग श्योर दैट की आपकी सारी प्रॉब्लम हल हो जाएँ एंड डू कॉमेंट द कॉमेंट सेक्शन बेटा कि और कौन से टॉपिक पर आपको वीडियोज चाहिए मैम लगातार आपकी हेल्प करती जा रही है पूरी टीम जुटी हुई है यहाँ पर आपके लिए एक बहुत ही बड़ा सरप्राइज लेकर आज ही हम मिले थे आपको मुकाम में तो प्लीज़ मेक श्योर दैट आप कल से बेटा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज को जरूर से फॉलो कर रहे हैं फिजिक्स की टाइमिंग्स रहने वाली है डेली एट सिक्स पी एम सो प्लीज मेक श्योर दैट यू आर पार्ट ऑफ द बैच एंड आ जी जाओ यार, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने से भी कुछ नहीं होगा क्योंकि पढ़ना भी ज़रूरी है कॉन्सेप्ट भी रिवाइज करना जरूरी है माइंड मैप्स भी जरूरी है फॉर्मूला शीट्स भी जरूरी है बुक्स भी ज़रूरी है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बुक्स भी जरूरी है एज वेल एज मॉक टेस्ट लगाना भी जरूरी है तो वो सब आप हमारे इस प्लेटफॉर्म पर पा सकते हैं तो जाइए जाकर इनरोल कीजिए एंड मिलते हैं क्लासेज में टिल देन स्टेट